बहुत सारे ब्रांडेड खूबसूरत शर्ट्स देखोगे, कैजुअल शर्ट्स देखोगे जो आप अपने फेस्टिवल में पहनकर अपने फेस्टिवल को इस कलर की तरह खूबसूरत लाल बना सकते हो। वैसे बताइएगा बैकग्राउंड कैसा लगा। फटाफट चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो पहला शर्ट आ गया हमारे पास, ब्रांड का नाम है द बियर हाउस, यानी भालू का बस्ती, द भालू निवास। यहाँ पर इसकी प्राइसिंग लिखी गई है 2495 रुपए, लेकिन आपको बहुत बेस्ट प्राइस में मिलेगा। शर्ट के अगर मटेरियल की बात करें, पूरा शर्ट लिनन मटेरियल से बना हुआ है, कंफर्टेबल लगेगा और आराम से पहन पाओगे। शर्ट में बेसिकली आपको तीन कलर देखने को मिलेंगे, एक है ऑफ व्हाइट, एक है बेज और एक है थोड़ा सा डार्क ग्रे या ब्लैक टाइप का दिखता है। और ये सारी जो डिजाइनिंग है ना वर्टिकल स्ट्राइप के थ्रू की गई है। इस शर्ट का जो बेस कलर है वो है ऑफ व्हाइट और बाकी उसके ऊपर आप सारी डिजाइनिंग देख सकते हो। अंदर में तो भालू निवास की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी और यहाँ पे लिखा हुआ है स्लिम फिट, ये मैंने एम साइज लिया है। और इवन एक एक छोटे छोटे बटन्स पे भी ना आपको द बियर हाउस की ब्रांडिंग मिल जाएगी। लेफ्ट चेस्ट पे आपको एक पॉकेट मिलता है और उस पॉकेट के साइड में आपको मेटल से बियर की ब्रांडिंग मिल जाएगी। शर्ट के साइड में आपको यू शेप कट देखने को मिलता है, लेकिन उसके अंदर से भी यहाँ पर एक छोटा सा कपड़ा अटैच किया गया है। अंदर में आपको एक्स्ट्रा बटन्स देखने को मिल जाएंगे एंड बैक साइड भी आपको सेम पैटर्न देखने को मिलता है। एंड ओवरऑल अगर शर्ट की बात करें, शर्ट का एक्चुअली जो फैब्रिक है ना बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है। एक चीज है यहाँ पे कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में देखेंगे ना तो वहां पर लिनन लिखा हुआ है, लेकिन शर्ट के अंदर में 100% कॉटन लिखा हुआ है। दोनों कंफर्टेबल फैब्रिक है, हमें उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, पहनने में अच्छा लगना चाहिए। साथ ही और अच्छी बात क्या लगी कि इसके अंदर में आपको एक हुक मिल जाता है। जनरली ऐसे शर्ट को जब भी हम पहनते हैं और यूजुअली जब खोलते हैं ना तो हमें ऐसे हैंगर में टांगना पड़ता है और उसके बाद यहाँ पर एक तंबू सी बन जाती है जो कि फिर वापस से पहनने योग्य नहीं बनाती इस शर्ट को। लेकिन ये हुक होने से क्या अच्छा है कि आप इजीली से टांग सकते हो। स्टाइलिंग की बात करें, बहुत ज्यादा सिंपल वर्टिकल स्ट्रिप वाला शर्ट है एंड लड़कों पे वर्टिकल स्ट्रिप बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। और चूंकि इसके जो कलर की सिलेक्शन है ना इतनी सिंपल और इतनी बेसिक है तो आप डेफिनेटली अपने बहुत सारे चीनोस ट्राउजर्स के साथ इजीली पेयर अप कर पाओगे अलग अलग ओकेजंस में। लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और नेक्स्ट पैकेज आ गया हमारे पास में और इस शर्ट की जो पैकेजिंग अगर आप देखोगे ना दिल खुश हो जाएगा, बड़ी यूनिक है। यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो और एक छोटू सा बर्ड यहाँ पे बना हुआ है, मिस्टर बर्ड बर्ड, आई होप ब्रांड के नेम को ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पर इसकी एमआरपी लिखी गई भाई 2999, इतना आपको पे नहीं करना है। इस तरह के धागे को ऐसे करके आप घुमाओगे और ये फिर ओपन होगा और अंदर में निकलेगा आपकी वस्तु। ओ वाव, अगेन यहाँ पर अंदर प्राइसिंग लिखी गई है, मिस्टर बोरबर्ड की आपको टैगिंग मिल जाएगी। कॉटन मसलिन इसमें यूज हुआ है और हैंड प्रिंटेड है, मतलब वैल्यू प्रिंटेड नोट ऐसे करके लिखा हुआ और एक छोटी सी खूबसूरत सी डायरी आपको मिलती है। लेकिन ये डायरी दिखा के हमें बेवकूफ नहीं बना सकते, फटाफट शर्ट की क्वालिटी को चेक करते हैं। अगर ऐसा शर्ट की क्वालिटी की बात करें ना, कपड़ा बहुत ज्यादा प्रीमियम एंड हल्का हल्का लग रहा है। शर्ट में आपको मेंडरिन कॉलर मिलता है, अंदर में आपको मिस्टर बोरबर्ड की ब्रांडिंग मिल जाएगी और यहाँ पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया और नीचे रोज बना हुआ है, एम साइज हमने लिया। शर्ट में अगर कलर्स की बात करें, मेजरली आपको तीन कलर देखने को मिलेंगे। इसका जो बेस कलर है वो इंडिगो ब्लू है और उसके ऊपर जो आप ऐसे अकरी चकरी एंडक मेंढक जैसा देख रहे हो ना वो सारा आपको बोटल ग्रीन कलर का मिलेगा जिसपे आउटलाइनिंग की गई है, येलो है लेकिन बहुत ज्यादा लाइटर शेड है और बहुत मिनिमल शेड लग रहा है। इसमें बटन्स ब्राउन कलर के यूज हुए हैं और हर बटन पे आपको मिस्टर बोरबर्ड की ब्रांडिंग मिल जाएगी। साइड में आपको एक पॉकेट मिल जाएगा, पॉकेट के साइड में एम्ब्रॉयडरी के थ्रू एक बर्ड डिजाइन किया गया है जो कि पेयरली विजिबल है, मतलब उतना दिखता नहीं है। नीचे एक्चुअल में एक बहुत खूबसूरत कोट को लिख अटैच किया गया है पैच के थ्रू। साथ ही एक और डिटेलिंग क्या है कि शर्ट के एंड में ना आपको येलो थ्रेड से बहुत खूबसूरत बुनाई टाइप की डिजाइनिंग बनाई गई है, एक सिंपल स्ट्रिप डिजाइन किया गया है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। ओवरऑल अगर शर्ट की बात करें, एक नजर में ना ये शर्ट ऐसा लगता था दिखने में भाई क्या रिचनेस ऐड कर रहा है आपकी बॉडी पे, पहनोगे मजा आ जाएगा, कैसा मुझ पे लग रहा है कैसा नहीं, ये सारी चीजें आप पीछे देख पा रहे होंगे। हाईली रिकमेंडेड है अगर आप एक प्रीमियम कपड़ा पहनना चाहते हो तो। नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी ब्रांड ऑन एनी प्रोडक्ट। नेक्स्ट शर्ट आ गया हमारे पास में, टाटा क्लिक की तरफ से इस बार आया है और जो कंपनी है वो है वेस्टसाइड। इसके अंदर में अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। यहाँ पर लिखा गया लिनन ब्लेंड्स, यानी लिनन शर्ट होने वाला है और ब्रांड का नाम है E.T.A। फटाफट शर्ट को निकालते हैं, ये बहुत खूबसूरत सॉलिड व्हाइट कलर का हुडेड शर्ट है। यहाँ पर आपको बटन्स भी है ना जो पूरे एंड तक नहीं मिलते बल्कि आधे तक ही मिलते हैं, बटन है पूरा मेटल का और बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, फुल स्लीव शर्ट है। और व्यू प्रोडक्ट में भी हमने बहुत सारे अमेजिंग शर्ट्स को ऐड कर दिया ताकि आप और एक्सप्लोर कर पाओ इंटरनेशनली, तो जाके चेक जरूर करना। शर्ट में आपको एक हुड मिल जाता है जिसकी साइड डिसेंट है, नीचे आपको दो पॉकेट्स मिल जाएंगे जो कि इनर साइड में है और बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। देखो इस शर्ट में ना बहुत ज्यादा कुछ कहने को और देखने को है नहीं, ओवरऑल व्हाइट कलर का शर्ट है लेकिन इसका जो कपड़ा है ना वो एक्चुअल में आपके लिए जादू करेगा। तो अगर आप नीचे कोई भी ट्राउजर पहन रहे हो या कोई भी चीनो पहन रहे हो, लिनन की एक्चुअली क्या खूबसूरती होती है ना कि आप अगर इसे प्रेस करके पहनोगे तो भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है, लेकिन अनलाइक अदर फैब्रिक्स अगर ये
तरस भी हो जाएगा ना, मुड़ भी जाएगा, मोचड़ा भी जाएगा, तो भी ये शर्ट उतना ही खूबसूरत लगेगा जितना पहले लगता है। डिफरेंट लुक आ जाती है इस पे। तो आप डेफिनेटली इस शर्ट के लिए जा सकते हो अगर आपको एक खूबसूरत प्रीमियम लिनन शर्ट पहनने का मन है, जो कि व्हाइट है, जो कि मेरा फेवरेट कलर है। कैसा लग रहा हो, कैसा नहीं, ये सारी चीज आप पीछे देख पा रहे होंगे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मैन देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। फटाफट शर्ट भी निकालते हैं, ब्रांड का नाम है हेयर एंड नाउ। और सच बता रहा हूँ, भले ही सबसे सस्ता है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, सबको ये बहुत ज्यादा पसंद आया है। हेयर एंड नाउ का आपको टैग मिल जाएगा। एमआरपी की बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है 1599, आपको पे नहीं करना है। जस्ट लुक एट दिस, क्या कलर कॉम्बिनेशन है। देखिए पता चल गया आपको, एक चेक शर्ट है, लेकिन आपको बता दूं कि इस चेक पैटर्न को बोलते हैं टर्टन चेक। अभी चेक करके ही मैंने बताया, और इस टर्टन चेक के नाम को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक चेक जिंदगी में काम आता है, वो एक खचर खचर अमिताभ बच्चन के हाथ से जो जाता है। शर्ट पे आपको मेजरली 3 कलर देखने को मिलेगी। इसका जो बेस कलर है वो है बॉटल ग्रीन कलर का, डिफरेंट शेड का है। और इस पे जो मेन चेक्स की जो लाइनिंग आपको दिखेगी ना, वो दिखेगी बेज कलर की, लेकिन उसके बिहाइंड सीन में कुछ अलग ही चल रहा है, यानी ब्लैक स्ट्रिप का भी आपको थोड़ा थोड़ा काम मिलेगा। ओवरऑल शर्ट का जो कलर निकल के आ रहा है ना, बहुत ज्यादा रिच एंड प्रीमियम लगता है। शर्ट के मटेरियल की बात करें तो ये पॉली कॉटन शर्ट है, यानी इसमें थोड़ा सा पॉलिएस्टर का ब्लेंड है। अंदर में आपको हेयर एंड नाउ की ब्रांडिंग मिल जाएगी, ये हमने लिया है एम साइज 40। बटन भी आपको इसमें ग्रीन कलर का मिलता है, ऊपर में हेयर एंड नाउ की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और लेफ्ट चेस्ट पे आपको मिल जाएगा पॉकेट, लेकिन उसमें कोई भी ब्रांडिंग नहीं है। रहता तो थोड़ा अच्छा रहता, प्रीमियम लगता है। यूजुअली जितने भी चेक्स होते हैं ना, चेक्स तो भाई बहुत शर्ट होते हैं, लेकिन एक अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के साथ शर्ट के डिजाइन को निकालना चेक्स में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और आपको ये भी बता दूं कि इस शर्ट का जो फैब्रिक है ना, एकदम बिल्कुल ही प्लेन या एकदम कॉटन जैसा नहीं लगता, थोड़ा सा इसमें फेनल या फेदर टाइप की ना यहाँ पर टेक्सचर मिलती है, तो ओवरऑल लुक जो है ना बहुत ज्यादा खूबसूरत आता है। अब मैं इसे पहन के कैसा लग रहा हूँ, कैसा नहीं, ये सारी चीजें आप पीछे देख पा रहे होंगे। अगर अच्छा लगता है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। हमारे पास में एक और डाटा क्लिक का पैकेज, अंदर में आपको मिल जाएगी वेस्ट साइड की, अंदर में आपको मिल जाएगा एक अंदर सुपना बंदर, और यहाँ पे प्राइसिंग लिखी गई है 1299, और आपको इतने पे करना पड़ेगा। लेकिन देखो प्राइसिंग की बात नहीं, लेकिन एक चीज मुझे छोटी सी क्या प्रॉब्लम लगती है ना, कि ये अपने शर्ट को ना भाई अच्छे से प्लास्टिक व्लास्टिक में रैप करके नहीं देते। देख लो कैसे आया, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है। और जो शर्ट के अगर कलर की बात करें, इसका जो बेस कलर है वो है नेवी ब्लू, और जिसके ऊपर आपको रस्ट ऑरेंज और ऑफ व्हाइट कलर से आपको वर्टिकल स्ट्रिप्स देखने को मिलेगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ साइड साइड में है और आपके स्लीव के साइड साइड में है। साथ ही साथ अगर इस शर्ट के कॉलर को देखोगे ना, ये कोई नॉर्मल कॉलर नहीं है इस शर्ट की तरह, इसमें लिपल कॉलर यूज किया गया है, जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा ट्रेंड का पार्ट है। हालांकि दूसरे शर्ट्स की तरह इसमें आपको फुल स्लीव नहीं मिलता, ये हाफ स्लीव वाला शर्ट है। शर्ट के अगर फैब्रिक की बात करें, 100% वेस्कोस से बना हुआ है, यानी बहुत ज्यादा हल्का हल्का ऐसा फ्लोई फ्लोई टाइप का लगता है। प्रेस करके पहनोगे मस्त लगता है, अगर मुचड़ पुचड़ गया तो फिर अच्छा नहीं लगता है। अगर आप कहीं जा रहे हो किसी इवनिंग डेट पे या ठूसने इवनिंग KFC, तो आप डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो। बाकी आपको शर्ट को कहां पहनना कहां नहीं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। ये शर्ट रिलैक्स फिट के साथ आता है, एल साइज हमने लिया है, तो ये इकलौता एल साइज वाला शर्ट है इस पूरे ऑल का। वैसे आपको बता दूं कि अगर इन सारे शर्ट्स में से कोई भी शर्ट अच्छा लगा है, तो आप डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो। सारे शर्ट्स की क्वालिटी, ब्रांड, मटेरियल, डिजाइन हमने मस्त मस्त रखा है, ताकि आपको कंफ्यूजन हो जाए कि क्या ले भाई, सब तो अच्छा ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, इंस्टाग्राम में फॉलो कर ले। अभी के लिए बाय, जय हिंद, पेश बूम।